गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, टाइनी टॉट पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछली कक्षाओं में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, जो कविता था अमर शहीद। अब आज हम लोग सेकंड चैप्टर कौन सा है, एक सिक्के की कहानी। ये एक कहानी है सिक्के के बारे में, वो रीड करेंगे। एक सिक्का अपने साथियों के साथ डिब्बे में पड़ा रहता था। जो सिक्का था वो क्या करता था, अपने जो साथी थे डिब्बे में पड़ा रहता था उनके साथ में। डिब्बे से बाहर निकलने को उसका दिल मचलता था। डिब्बे में आने से पहले वह एक हाथ से दूसरे हाथ में आता जाता रहता था। एक जगह पड़े रहने की उसे आदत ही नहीं थी। जो सिक्का था वो क्या है, अपने साथियों के साथ जो डब्बे में पड़ा रहता था, उसका दिल क्या करता था कि बाहर मुझे कोई निकाले, और वो एक हाथ से दूसरे हाथ में आता जाता रहता था। उसको क्या है, एक जगह ही रहने की आदत नहीं थी। आखिर एक दिन क्या हुआ, डिब्बा खुला, एक आदमी उसे जेब में डालकर विदेश यात्रा को निकल पड़ा। एक आदमी ने उसे क्या किया, जेब में डाला और उसको विदेश यात्रा के लिए लेकर चला गया। सिक्का बहुत खुश था। इटली गया तो उसे लीरा का साथ मिला, फ्रांस में फ्रैंक से तो जर्मनी में मार्क से उसकी मित्रता हुई, इंग्लैंड में पौंड और अमेरिका में डॉलर के साथ रहा। जो इटली की जो मुद्रा है वो क्या है, लीरा, उसके साथ भी वो रहा। फ्रांस की जो मुद्रा है फ्रैंक, उसके साथ भी रहा। जर्मनी में मार्क जो उसकी मुद्रा है वो मार्क है, उसके साथ भी रहा, उसकी भी मित्रता हुई उसके साथ में। और इंग्लैंड में पौंड है तो उसके साथ भी रहा, अमेरिका में डॉलर है तो उसके साथ भी वो क्या रहा। विदेशियों के बीच रहकर सिक्कों को घमंड हो गया। विदेशियों के बीच जो ये इंग्लैंड में गया, अमेरिका में गया, उनके डॉलर के साथ रहा, तो उनके साथ रहकर क्या हो गया, सिक्के को घमंड हो गया। वह सोचने लगा, मेरे भाई तो अभी उसी डिब्बे में बंद होंगे। जो उसके सिक्के साथी सिक्के थे वो अभी उसी डिब्बे में बंद होंगे या वहीं आसपास घूम रहे होंगे। मैं विदेश में मौज उड़ा रहा हूँ। उसको क्या है, घमंड हो गया, क्योंकि वो विदेश चला गया था और उसके साथी सिक्के क्या है, वहीं उसके देश में छूट गए थे। दिन बीतते गए और साथी सिक्के उसे बिछोड़ते गए। जो दिन क्या है, जो विदेश के वो जो आदमी था वो क्या है, एक देश से दूसरे देश वो जाता गया, और क्या हुआ, दिन बीतते गए। फिर जो साथी सिक्के थे, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो उसके साथी बने थे वो क्या है, उसे बिछड़ते चले गए। एक दिन उसने अपने को बिल्कुल अकेला पाया। एक दिन क्या हो गया, कहीं पे भी उसको कुछ नहीं मिला, कोई भी साथी नहीं मिला वहाँ पे, तो वो अकेला महसूस करने लगा। आदमी ने कुछ खरीदने के लिए उसे बाहर निकाला, पर यह क्या, दुकानदार ने यह कहते हुए लौटा दिया, यह सिक्का यहाँ नहीं चलेगा। जो सिक्का था वो दूसरे देश में वहाँ पे नहीं चलता था, इसलिए दुकानदार ने बोला कि ये जो सिक्का है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। हर जगह उसका ऐसा ही अपमान हुआ, उसका ऐसा ही अपमान हुआ, मतलब वहाँ जो दूसरे देश थे वहाँ पर सिक्का नहीं चल रहा था, तो इस तरह उसका अपमान हुआ। सिक्के की सारी फूंक निकल गई, जो सिक्के की जो घमंड था वो सारा निकल गया, वह बहुत दुखी हो गया। विदेशी सिक्कों के साथ रहने पर वह इतराता था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। जब वो विदेशी सिक्कों के साथ रहता था उसको घमंड आ गया था, और बोलता था कि जो सिक्के साथी हैं वो अभी इस डब्बे में बंद होंगे या वहीं आसपास भटक रहे होंगे। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। यात्री अपने देश लौटा। जब जो आदमी था वो विदेश लेके गया था सिक्के को, वो जब अपने देश लौटा उसने सिक्के को चाय वाले को देकर चाय मांगी। सिक्के को देकर क्या किया, चाय वाले से चाय मांगी। चाय वाले ने उसे बड़े प्यार से लिया, माथे से लगाया और आदमी से कहा, आपसे मेरी बहनी हो रही है, अभी बढ़िया चाय बनाता हूँ। जैसे ही सिक्का अपने देश आया उसे क्या है, बड़ा आदर मिला। जो चाय वाला था उसे अपने माथे से भी लगाया सिक्के को, और कहा कि आपसे क्या हो रही है, मेरी बहनी हो रही है। सिक्के को अब समझ आया, सिक्के को क्या है, अब समझ में आया कि अपने लोगों का साथ स्वर्ग के सुख से बढ़कर होता है। अपने देश अपने लोगों का मोल वह जान चुका था, यानी सिक्के को क्या समझ आ गया था कि अपना देश अपना ही होता है, अपने लोग अपने ही हैं, वो उनका
मोल उनकी कीमत जान चुका था।